नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आपका दोस्त, आपका होस्ट कमल अरोड़ा। सो काफ़ी लंबे के बाद मैं आज पहुंचा हूं अपने बिल्कुल ही क्लोज उस्ताद हकीम जैदी साहब और हकीम कासिम जिलानी खतौली, यूपी मुजफ्फरनगर ज़िला में। और आज से बहुत साल पहले मैंने उस्ताद हकीम राहत अली साहब की वीडियो बनाई जिनके मिलियंस में व्यूज़ आए हैं, और वो कासिम भाई ने ही बनाई थी और शिबू भाई भी साथ थे उस वक्त। और अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, इनसे पुराने ताल्लुकात हैं। आज मेरे ख्याल है कोई 12-15 साल हो गए जुड़े हुए इनसे, 12 साल हो गए कम से कम। सो आज उस्ताद जी के यहाँ आए हुए हैं जी, हमारे मित्र आए हुए हैं बहुत पुराने, राज ऑस्ट्रेलिया। कभी मैं अम्बाला में 8 साल पहले इनके घर पर भी गया था, शौक करके आया था, और आज फिर मेरे से इनकी मुलाकात हुई और मैं भी इनसे मिलने आया हूँ। आज हम इकट्ठे हुए हैं उस्ताद जी के यहाँ पे, क्योंकि उस्ताद जी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, उस्ताद हकीम जैदी। मैंने ना जाने कितने शागिर्द इनके करवाए हैं, और जो जुड़ गया सो जुड़ ही गया, दोबारा उसे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, सीख रहा हूँ इनसे। सो शुरुआत करते हैं उस्ताद जी से, और आपको मिलवाते हैं राज भाई ऑस्ट्रेलिया वालों से, जो कि मशहूर हैं दड़े की बाजियों में और अम्बाला शहर से हैं, और बहुत अच्छे शौकीन भी हैं। जितने भी पंजाबी कबूतर खिलाड़ी हैं जो मलवई कबूतर पालते हैं, दड़े छोड़ते हैं, वो बखूबी जानते हैं राज भाई को, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सो उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और मेरे दिल चाहिए थे, मेरा परिवार है यहाँ पे, मैं कहीं पराई जगह नहीं बैठा हूँ, और ऐसे ही राज भाई हैं, इनसे भी पुरानी जान पहचान है। सो ये उस्ताद जी के बाख्तर खलीफ हैं भीम भाई, और चैम्पियन है जी अपने एरिए के। उस्ताद जी सारी चीज़ मैंने बता दी, आपका सब सबको पता है पीछे क्या शिजरा है, क्या आपका राज भाई से सीधी बातचीत करते हैं कि आपकी कुल कैसे मुलाकात हुई इनसे। राज भाई ने मेरा कहीं नाम सुना होगा, तो राज भाई से इनकी बाहर बात हुई, तो ये मुझसे भी नए रात के टाइम एक बार मेरी इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे जब ये मेरे पास आए। कितने साल हो गए जुड़े हुए? जुड़े हुए 3 साल हो लिए। तो जैसे हम लोगों को सिखाया ऐसे राज भाई को? नहीं, राज भाई तो एक्सपर्ट हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हाँ जो थोड़ा बहुत अगर कुछ पूछा तो बताया मैंने, नहीं खुद जानते हैं कब थोड़ा ना, अच्छा ऐसी बात नहीं है, सही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दोस्ती पक्की हो जी। हाँ नहीं, राज भाई आप इतनी दूर बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, शौक करने इंडिया आते हैं, हर साल आपके बारे में सुनते हैं कहीं किसी यूट्यूब चैनल पर, कहीं कोई बात होती है। सो उस्ताद जी से जुड़े हैं, क्या फ़र्क लगा आपको, मतलब इतने लोगों से मिलने के बाद? आप तो दुनिया में घूमे हैं। पहले तो मैं सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, और कमल भाई जी से मिलकर मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, और उस्ताद जी को 3 सालों से जानता हूँ, गेम के बारे में भी बात करते हैं, और मेरे को लग रहा है चैंपियन आदमी है। मैंने पहला इंसान ऐसा देखा, जब मैं इनको मिलने आया तो मेरे को सबसे पहले था कि यार, मेरे को किसी ने बोला था कि इनके 1000 से भी ऊपर चेले हैं। मैंने बोला यार ऐसा कौन सा इंसान है जिसके 1000 से भी ज़्यादा ऊपर चेले हैं? तो मैं उसको यहाँ से 150-200 किलोमीटर में ड्राइव करके पहुँचा यहाँ। मैंने बोला मैं उस शख्स को मिलना चाहता हूँ जिसके इतने चेले हैं और इतना नाम है यार, मतलब कि उस टाइम ये नहीं था कि हमने कुछ सीखना है, पर मैं उस शख्स को देखना चाहता था। इनके पास पहुंचा मैं, रात हो चुकी थी, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की, और यार मैं कहता हूँ लेजेंड, मैं उस्ताद जी की तो बात ही छोड़ दो, मतलब कि बहुत हाई लेवल के, बहुत बहुत ऊपर वाली लेवल के, बहुत कुछ इनसे हमने सीखा भी। पाकिस्तान में भी शागिर्द हैं उस्ताद जी? हाँ, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान वालों से ही मेरे को इनका पता लगा था। इनके शागिर्द हैं सुल्तान भाई हैं, आसिफ प्रिंस हैं, और उन्हीं के थ्रू मेरे को पता लगा कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ऊपर तक है हाई लेवल पे कबूतरबाजी के अंदर। तो मेरे को एक दिल में थी, चाह थी यार उस बंदे को मैं मिल के आऊँ, तो मैं इनसे आया। अभी 3 साल हो गए, मैं काफ़ी मुलाकात होगी उस्ताद जी से। अब मैं कहता हूँ माशाल्लाह बहुत लेजेंड बंदे हैं ये, बहुत अच्छे बंदे हैं। दोस्तों 2021 6 जून को मैंने अपने गाँव का, उस टाइम लॉकडाउन था, कोई टूर्नामेंट दिल्ली के हो नहीं रहे थे, तो पहली बाजी जीती थी और दो दो कबूतर ही उड़े थे, तो 6 जून को वो कप उड़ा था। तो उस्ताद जी की बदौलत जो इन्होंने बताया मैंने वो किया, और मेरे कबूतर 3 बजे के बाद बैठे थे। उसके बाद मैंने 20 जून को फिर झज्जर में जाके कबूतर उड़ाए, वहाँ भी हमने जीत हासिल करी गुलिया साहब के यहाँ। सो इन्हीं का सिखाया हुआ भाई, और मेरी एक आदत है जहाँ जुड़ जाते हैं वहाँ रह जाते हैं, जगह नहीं बदलते। सो उस्ताद जी मतलब जब भी आप इतने अच्छे शौकीन लोग आपसे जुड़ते हैं या आप किसी से मुलाकात करते हो,
तो आप जजमेंट्री कैसे करते हो कि यार ये बंदा लंबा चलने वाला है? एक्सपीरियंस आपका भी तो होता है। अजी वो तो अपना पता है, जब अपना दिल्ली से आवाज़ आ जाए अपना कि ये आदमी सही है तो इसके साथ अच्छा बताए। आजकल तो पंजाबी कबूतरों का जोर बहुत है और राजभाई भी पंजाबी, राजभाई ने कुछ कुछ पंजाबी कबूतर। मैं यहाँ पे आया, मैंने उस्ताद जी के कबूतर देखे, मैंने बोला उस्ताद जी ऐसे है, मेरे उस्ताद जी हैं भाई मुशी मूले अली बापू जंटा लमार। तो मैंने जब मैं आया इनके कबूतर देखे, मैंने बोला उस्ताद जी ऐसे है कुछ कबूतरों का हमारा भी शौक करो। तो मैंने पहले एक जोड़ी भेजी, फिर एक दो दो तीन और भेज दिए मैंने। मैंने बोला उस्ताद जी अपने कबूतरों में इन कबूतरों को भी उड़ाओ और थोड़ा सा रिजल्ट देखो। तो उस्ताद जी बताएंगे कैसा रिजल्ट रहा। रिजल्ट ऐसा है जी, उड़ते ही कबूतर 7-8 घंटे रुकवाने अच्छा उड़ता है। अगर इन कबूतरों की खिलाई पिलाई करी जाए अच्छी तरीके से तो 10 घंटे बिना लाग के उड़ेंगे कबूतर। और ये कबूतर हैं ये देखो आप, हाँ ये कुछ मलवई कबूतर हैं। आने वाले टाइम में हमने उस्ताद जी के पास ये कबूतर कम करवा देने हैं। हमने मलवई कबूतर जो असली वाले मलवई कबूतर हैं वो हमने यहाँ भर्ती करने शुरू कर देने हैं, दो दो चार चार जोड़े करके। नेक्स्ट ईयर तक माशाल्लाह 20 जोड़े उस्ताद जी के पास ऐसे होंगे, जब इन यहाँ उड़ेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार यदि उस्ताद जी के कबूतर उड़ रहे हैं। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने उस्ताद मुशी जी की मलोट में जाके वीडियो बनाई थी। राज भाई उन्हीं के शागिर्द हैं और उस्ताद जंटा जी के पोता शागिर्द हैं। मैं बताना भूल गया था उस वक्त आपको जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया। सो पंजाबी कबूतरों को आपको इसमें शौक कराते हैं, बेहतरीन कुछ पंजाबी कबूतर हैं। मेरे को तो ये लाल चीना कबूतर बहुत पसंद आया। ये राज भाई का नहीं से बता दीजिए, ये अलग ये अलग सा है वहाँ फिर वीडियो को करना है। बिल्कुल, तो ये देखें मैं आपको वीडियो इसमें नज़दीक ले आता हूँ। मलवाई कबूतर है ये, ऐसे जो कबूतर हैं ये धन्ने वाले कबूतर बोलते हैं, उनमें से है ये कबूतर मेरे हिसाब से। ये राज भाई वाला पट्टा है, ये यहीं से इसके पल्ला पल्ला दिखाओ खोल के। सो ये पट्टा जो जोड़ा उस्ताद जी को हमने भेजा था उसका ये पट्टा है। माँ बाप भी इसका, इसके मेरे पास ही है माँ बाप। इसका जो इसका दादा है वो कुछ ऐसा था, तो बाकी इसके हैं ये जो इसके माँ बाप हैं वो या तो काला निकालेंगे या लाल ही निकालेंगे, ज़्यादा बच्चे ऐसे ही निकालेंगे। सो ये लाल रत्तों में लाल बबरे गहने प्योर मलवई है। ज़बरदस्त है ये। अच्छा ये डायरेक्ट उड़ते हैं गांव टू गांव में, आप उड़ा लो इसको, भागते भी नहीं, एक परसेंट भी नहीं जाते कबूतर। राज भाई आप ऑस्ट्रेलिया रहते हैं वहाँ भी हो रही हैं क्या बाजियाँ? हाँ वहाँ पे भी बहुत बाजियाँ हो रही हैं, आपके पास 6 बाजियाँ हुई, बहुत अच्छे टूर्नामेंट हुए, लोगों ने बहुत अच्छे ज़बरदस्त कबूतर इकट्ठे कर रखे हैं। हाँ ये बापू, ये उस्ताद मुशी मूलियाँ वाली के कबूतरों का पट्टा है, वो राजन वालों का पट्टा है। राजन वाले कबूतर जो बहुत मशहूर हुए वो राजन वालों में से है। ये कबूतर है उस्ताद जी के घर पट्ठों का। दो पट्ठे थे आपके पास? हाँ। वो ये कबूतर जो है ले आला कबूतर दिखाओ। दोस्तों एक ये कबूतर दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब मेंढक जैसी आंखें हैं, पूरे शीशे बाहर हैं दोनों तरफ से। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर अपने आप में। इसके बच्चे उड़ाए हैं उस्ताद जी? हाँ जी बच्चे उड़ाए इसके, ये भी राज भाई के कबूतर है। माइक लगा लूँ मैं, चलो चलो मैं लगा लूँगा। तो इसके बच्चे उड़ाए हैं, ये भी राज भाई ने दिया? हाँ ये भी राज भाई ने दिया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर है दोस्तों, इसकी आँखों का मैं आपको शौक कराता हूँ। थोड़ा
कबूतर जो मैं अभी भेज रहा हूँ ना आपके पास, जबरदस्त छांट के भेज रहे हैं मैंने दो जोड़े, जब बच्चे उड़ेंगे ना तीसरे चौथे दिन आप बोलोगे बस ये पट्टा पता लियो मादिन छोड़ दिए लो बैठ जाएगी जो राज भाई वाली छोड़ दे खाने पड़े पड़े जाल में। उस्ताद जी आपकी शागिर्दों की क्या तैयारी है यहाँ पे आपके, और गर्मी बहुत पड़नी है। हाँ जी कोई बात नहीं, गर्मी तो हर साल ही पड़े है, कमती बढ़ती। कितनी बार उस्ताद जी का नाम है इस इलाके में दिल्ली तक, दिल्ली से बाहर, दिल्ली तो चलो छोटी हो गई। मैं बात करता हूँ इस साइड का, इंडिया बॉम्बे तक लगा लो, कलकत्ता तक लगा लो, और बहुत दूर दूर तक नाम है, सऊदी तक भी उस्ताद जी के चेले हैं। कलकत्ता तो पंजाबी, कलकत्ता में भी हैं पंजाबी कबूतरों की, कलकत्ता में। और मैं जितने भी उस्ताद जी के शागिर्द हैं सबको हम सलाम नमस्ते सत श्री अकाल बोलते हैं सारे ग्रुप की तरफ से। हमारे तो मैं तो पूरे पंजाब में एंट्री हो गई। आप ये भी मूसी वाले कबूतरों में से है दोस्तों। हाँ राज भाई आप दिल्ली भी अक्सर आते रहते हैं, दड़े भी छोड़ते हैं, कहाँ कहाँ आपने दड़े छोड़े हैं? और दिल्ली तो मैंने एक ही बाजी छोड़ी है काजीपुर में। वो क्या था कि बाजी में ना मैंने 5-6 दिन पहले ही बोल दिया था कि ये बाजी मैं जीत के लेके आऊँगा, और 5-6 दिन पहले हमारे पार्टी रखी हुई थी, मेरे उस्ताद जी भी आए हुए थे, बापू जी भी आए थे, बापू जंटा जी और मेरे थे मित्र, मैंने सबको बोला चलो दिल्ली जीतने चलेंगे। और वो मेरे को, मैं इसलिए आया था कि एक तो एंट्री थी वहाँ पे 3100 थी, कितने थी इक्यावन कुछ ऐसे थी है ना, और मेरे को किसी ने बताया था कि 100 कबूतर उड़ेंगे टॉप के खिलाड़ी होंगे, हमारे राव साहब हैं यार एक नंबर के लेजेंड आदमी, और पूरा ग्रुप दिनेश हो गया सब है ना, कमल भाई हो गए। तो इन्होंने बोला जरा आज आ जाना, तो हम आ गए। तो चलो तीसरे दिन हमने उसको विन किया, बहुत अच्छी दिल्ली में एक ही बाजी छोड़ी है, बाकी पंजाब में अभी इस सीजन की पहली बाजी छोड़ी थी वो हमने जीत ली दूसरे दिन 7 बजे, अब कल छोड़ेंगे। पहली बाजी छोड़ी थी मैंने 7 तारीख को, 7 को भी उड़ा कबूतर, 8 को भी वही कबूतरी दूसरे दिन वहीं उड़ाई। हम छोड़ते हैं जाके सीधी मतलब कि हिला के नहीं छोड़ते, सीधा जाके दूसरे गाँव में लगाते हैं, वहाँ पे फिर वहीं पे उतारना होता है, उतरे ना उतरे वो बात अलग है, और टाइम पूरा होना चाहिए, बॉर्डर पूरा होना चाहिए। जैसे सुबह 6:30-7 बजे कबूतर उठते हैं, शाम को 6:30 या 7 का बॉर्डर होता है, जो कबूतर बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं अगर उनकी सहमति है तो नेक्स्ट डे फिर वो ही कबूतर सेम कबूतर नेक्स्ट डे दोबारा उड़ते हैं, अगर उनकी सहमति नहीं है तो फिर वो जो भी होता है उसको आपस में इनाम को आपस में बांट लिया जाता है। शौक कैसे खींच लाता आपको इतनी दूर से यहाँ हर साल? अरे एक लोगों को शौक होता है पाजी, हमें जुनून है यहाँ, जुनून जिसकी कोई लिमिट नहीं, हकीकत। हाँ भाई कोई लिमिट। राज भाई बहुत अच्छे इंसान है, जो मेरा शागिर्द से एक बार मिल गया वो इनका मुरीद हो गया, बस इन्हें याद, हाँ इन्हें याद करता है बहुत। यार मैं ना एक, मैं यार इनविटेशन है राज भाई आप आए हमारे स्टूडियो पे, हमारे घर पे, हमारे स्टोर पे कबूतर भी देखे, आप दिल्ली तो आते रहते हैं वहीं से होके चले जाते हैं, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। दिनेश भाई भी अपने भाई हैं। एक मेरा मैसेज है यार सबको, यार जितने भी मेरे प्यार कोई, मैं लोगों का फ़ैन हूँ, मैं कभी सोचा नहीं कि मेरा कोई फ़ैन होगा, पर जितने लोग मेरे को प्यार करते हैं ना यार, जितने पंजाब के हो गए, यहाँ यूपी के हो गए, दिल्ली के हो गए, और जहाँ जहाँ के, कई बार उस्ताद जी ने बताया कि लोग बहुत बढ़िया, बहुत दिल से प्यार करते हैं राज भाई आपको, तो मेरे को यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। मैं फेसबुक आप लोगों को कसम से इनका स्टेटस देखता हूँ, मेरे साथ इनका स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पे, इनकी साथ में फोटो लगाते हैं। हाँ यार सबको मेरी तरफ से सल्यूट, मेरे गांव के अंदर भी, मेरे गांव के अंदर भी 10 आदमी लगाते हैं, और भीम का छोटा भाई कपिल वो भी इनका लगाता है अक्सर, छोटा भाई लगाता रहता है। क्या फेमस है ना तो वो सिर्फ अपने काम से नहीं अपने व्यवहार से भी फेमस होता है, क्योंकि अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप कहीं भी अपनी पहचान नहीं बना सकते, तो हर जगह अपना व्यवहार जरूर अच्छा रखें। बिल्कुल ये था उस्ताद हकीम जैदी भाई कासिम जिलानी और राज ऑस्ट्रेलिया जी के साथ इंटरव्यू, हथौली यूपी मुजफ्फरनगर में।
फिर मिलते हैं दोस्तों। और जी अरुण भाई है ये भी दिल्ली से, ये मुझसे इसके बारे में बोलना भूल गया, ये मुझसे मिलना है, मेरे शागिर्द है, इनको मैंने ही शागिर्द कराया था, नजफगढ़ से है दिल्ली से, और मेरा भाई है बोलो जो भी कह लो भाई, दिल जी कर जान के लेगी। और ये हो गया, और एक जो मेरा राइट हैंड है भाई, मेरा छोटा भाई है यार, मैंने कभी राइट हैंड सोचा ही नहीं क्या होता है, वो मुंह में से वैसे निकल जाता है राइट हैंड वगैरह, और वो बल्कि जो मेरा सब कुछ है, जो मेरा गाइडर है इंडिया में, दिल्ली कदम रखने के बाद और दिल्ली से कदम उठाने के बाद जाने तक, वो जो मेरा खाने से लेके कपड़ों से लेके हर एक चीज़ जो मेरा करता है, ये मेरा बंटी बड़ा हमारा खलीफा, ठीक है भाई, यही करता है जो भी करता है, प्लान इसके होते हैं सारे, मैं उसको बता देता हूँ, आज भाई के पास जाना है, उस्ताद जी के पास आना आज, तो यही बोलता है पाजी इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे पहुँचेंगे, इतने बजे वापसी होगी, सब प्लान इसी का होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कमल भाई जो हमारे हैं, मैं कमल भाई के थ्रू उस्ताद जी से जुड़ा, और कमल भाई खुली किताब है, ये इन्होंने इतना मेरे को सपोर्ट किया ना, नहीं नहीं जिन्होंने इन्होंने जितना मेरे को सपोर्ट किया ना, उस्ताद जी से मिलाया, मेरे कबूतर 9 बजे बैठ जाया करते थे वहाँ पे, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, आज उस्ताद जी से जुड़ने के बाद मेरे कबूतर 2:30-3 बजे तक उस्ताद जी ने शाम के 6 बजे तक भी उड़वाए हैं, सिर्फ खुराक के ऊपर उड़ाए, बिगर गोली के उड़ाए उस्ताद जी ने कबूतर, बहुत तगड़े, और मैं उस्ताद जी से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आगे सीखेंगे भी, उस्ताद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उस्ताद जी ने हमें अपने पैरों में जगह दी। नहीं बढ़िया बात है, उस्ताद जी के वैसे मैंने भी खुराक यूज़ किए, इनके ज़बरदस्त थे आप, मैं कहता हूँ कोई इन उस्ताद जी को हमने बुला रखा है, 30 मई 2024 को हमारा मैच है, उस्ताद जी के 2 कबूतर एंटर कर रखे हैं हमने, और देखेंगे मज़ा आएगा यार, आप लाइव देखना मैच, मालवा टीवी पे हमारा लाइव मैच चलेगा, हो सकता है कि कमल जी आ जाए इन पे भी लाइव करवा देंगे, 2-3 वेबसाइटों पे लाइव चलेगा, और अल्टो गाड़ी देंगे, एक मोटरसाइकिल है उसमें जो बैटरी वाली कनेटिक आ रही है, 3 फ्रिज हैं उसमें, 1 4 ट्रैक्टर की हम प्लानिंग कर रखे हैं हमने उसमें, और ज़बरदस्त उड़ेगा यार, लाइव चलेगा, बाकी उस्ताद जी का स्पेशल बिल्कुल, मैं जाऊँगा राज भाई कहाँ, बिल्कुल मैं देखने पिछले साल भी गया था मैं, उस्ताद जी के लिए मैंने पहले से कप बनवा रखा है एक बड़ा, और जब भी आए तो अपा हम चाहते हैं कि उस्ताद जी आए, और वो जो रौनक जो मेला जो हम पंजाबी में बोलते हैं ना, उसको 4 चांद लगाएं, और भी मजा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल राज भाई, बिल्कुल आओ आप खाना लेके, तो दोस्तों ये था मेरे छोटे भाई जी सारा इंट्रोडक्शन मेरे भाइयों से आपका रूबरू कराना, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।